मध्य प्रदेश पटवारी संघ व मंडला इकाई के द्वारा लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये अपनी मांगों को रखे हुए हैं, आपका क्या विचार है? देखिए, जब हमारी सरकार 12 महीनों के लिए 15 महीनों के लिए आई थी तो इनके लिए जो 2800 पे ग्रेड की मांग थी उसकी नोट शीट चलाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्ष 2007 से वो ग्रेड पे की मांग इनकी पूरी नहीं हो रही है। नवीन पटवारियों की पदस्थापना में गृह जिले की मांग इनकी है वो भी पूरी नहीं की जा रही है। निश्चित कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने इन लोगों के लिए यह सबसे नोट सीट चलाई थी, लेकिन दुर्भाग्य था कि पैसे के लेन देन में सरकार गिर गई और हमने इनकी बातों को पूरा नहीं कर पाया। हम इनकी मांगों को बुलंद करने के लिए यहाँ पर इनके मंच पर आए हैं। निश्चित इनकी मांग पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिलों में चल रही है। इनके धरने पर हम आज समर्थन देने माननीय कमलनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं, और अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो सड़क से लेके विधानसभा तक लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी के साथ पूरे विधायकों के साथ हम इनकी लड़ाई लड़कर इनको न्याय दिलाने का काम करने यहाँ पर आए हैं।